दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक महान ताबड़तोड़ खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों पंत पर आग बबूला हुए हिटमैन, जब गुस्सा होकर पंत ने मुकाबले को रुकवा दिया था तब इस मामले पर नाराज होकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। और इस बयान पर क्यों है पंत गुस्सा, उससे पहले दोस्तों आप लोगों को दोनों में से खतरनाक खिलाड़ी कौन लगता है अपनी राय कमेंट में करें। दोस्तों राजस्थान और दिल्ली के बीच एक बहुत ही सांस अटकाने वाला मैच देखा गया। दोनों में कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे दिखाई दिया। इस मैच में ऐसा टाइम आया जब सबको झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पंत के गुस्से की, जब आखिरी ओवर में दिल्ली को 6 गेंद और 36 रन की जरूरत थी। इस नामुमकिन सी जीत को मुमकिन करने क्रीज पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज प्लेयर रोमन पावेल खड़े थे और गेंदबाज ओमय मकाय की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के उड़ा दिए और सबकी धड़कनें बढ़ा दी, जिसमें तीसरी गेंद की हाइट काफी ऊंची थी जिसको अंपायर को नो बॉल करार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब पंत अपनी ही जगह से अपने बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी रोमन पावेल और कुलदीप यादव को मैदान से वापस बुलाना शुरू कर दिए। ऐसे में शेन वॉटसन ने उनसे जाकर बात की और समझाया और मना लिया, लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर पावेल उतने रन नहीं बना पाए जितना उनको टीम को जिताने के लिए जरूरत थी और 15 रन से कैपिटल्स मैच हार गए। इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी बात कही है। रोहित ने गुस्सा होकर एक बयान दिया है कि जैसा पंत ने किया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अंपायर ने फैसला दे दिया तो वो सर्वमान्य है, उसको मानने की बजाय ऐसी बदतमीजी करना ठीक नहीं कहा जाएगा। एक बार माही भाई के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने अंपायर की बातों की इज्जत की, लेकिन पंत ने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। पंत को ये बात समझनी होगी, खुद को काबू में रखकर सीखना होगा, अपने नैतिकता को नहीं भूलना चाहिए। मुझे पता है कि अंपायर की गलती थी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मुकाबला ही रुकवा दें। आप कप्तान हैं तो अपनी राय दे सकते हैं, न कि मैच रुकवा सकते हैं। खैर रोहित शर्मा ने ये बात तो बिल्कुल सही कही, आप बात को चैलेंज कर सकते हैं लेकिन मैच रोकने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आपको कौन सही लग रहा है, रोहित शर्मा या ऋषभ पंत, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।